तो वही आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और उनके बेटे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद रामपुर में टकराव देखने को मिल रहा है। संघ विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने आजम खान विवाद पर बड़ा बयान दिया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने राकेश सिन्हा से बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं संघ विचारक राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा जी, जो आजम खान के खिलाफ कार्रवाई और जौहर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, एक बड़ा टकराव दिखाई देता है। देखिए, समाजवादी पार्टी की एक वृत्ति बन गई है, वो गलत को सही साबित करना चाहते हैं, अपराधी को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। जो आरोप लगे हैं सरकार ने तथ्यों के आधार पर लगाया है। भू माफिया होने का आरोप है। यदि आरोप गलत है तो न्यायालय में एक दिन भी नहीं टिकेगा। आरोप सही है तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। सड़कों पर न्यायालय की चीजें निर्णय नहीं होती हैं। जो आरोप लगे हैं वह न्यायालय के प्रांगण में उसका निर्णय होगा। आजम खान जाकर न्यायालय में सही गलत करें। समाजवादी पार्टी से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो लोग अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, जो अटूट संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, जिन पर ऐसे आरोप हैं, उनको डिफेंड करने की जगह उनको ये निर्देश दें कि कानून और व्यवस्था के अंतर्गत वे न्यायालय में जाकर अपने को सही साबित करें। लेकिन आजम खान ये आरोप लगाते हैं, उनके समर्थक ये कहते हैं कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि चूंकि वो चुनाव जीते हैं इसलिए बीजेपी नाराज है और इसलिए उनको लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। क्या चुनाव जीतना इस बात का प्रमाण पत्र होता है? इस बात की सुरक्षा होती है कि आप भू माफिया हैं तो आप पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। आपके पास अटूट संपत्ति है और अटूट संपत्ति अनैतिक तरीके से आपने इकट्ठा किया तो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए, जनप्रतिनिधि को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसके विपरीत हुए कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं और अपने आप को जस्टिफाई सड़कों पे करना चाहते हैं। बल के द्वारा, धन और बल दोनों का दुरुपयोग आजम खान कर रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। और आजम खान विवाद बढ़ा हुआ है, गौहर यूनिवर्सिटी जो वहाँ पर वो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। तो संघ विचारक राज्यसभा सांसद यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और आजम खान को निशाने पर ले रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।